उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रदेश में गुड गवर्नेंस स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, तो वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए धामी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। जनता के प्रति विभागों व अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है। भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रदेश में 1064 टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई। इस टोल फ्री नंबर पर भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में शिकायतें पहुंचती हैं। आम जनता की शिकायतों को सुनने और उनके समाधान करने के लिए ऑनलाइन शुरुआत की गई है। इसके जरिए जो भी पत्र मुख्यमंत्री को भेजे जाते हैं उन्हें सीएम हेल्पलाइन 1905 के साथ इंटीग्रेट किया जाता है। इसके अलावा प्रदेश में आम जनता को सहूलियत मिले इसके लिए भी धामी सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सचिवालय में जनता की पहुंच बढ़े इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक अधिकारी अपने कार्यालयों में रहे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के अब तक के सबसे बड़े भर्ती विवाद UK SSC पेपर लीक मामले में जांच बिठाई। ये मामला बहुत गंभीर है। जब तक एक एक को जो है हम लोग सलाखों के पीछे नहीं डाल देंगे तब तक हम लोग जो है ये जांच को जारी रखेंगे। इसके लिए इस जांच के तह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जो दोषी होगा उसको अंदर जाना पड़ेगा। दारोगा भर्ती घोटाले में भी विजिलेंस की तरफ से कार्रवाई की गई। VPDO भर्ती धांधली में बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़े चेहरे भी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की दिशा में धामी सरकार संकल्प के साथ कदम बढ़ाती नजर आ रही है।